लेबर कार्ड रिन्यूअल कराऊं भी तो क्यों कराऊं, मेरे बच्चों को कुछ नहीं मिल रहा है इससे। वजीफा दिल्ली के स्कूलों को दिया जाता था, वो बंद हो गया। दिल्ली के अंदर क्लेम दिए जाते थे, अलग अलग स्कीम्स के क्लेम है, वो क्लेम बंद हो गया। जाते ही बोलते हैं गेट से बाहर हो जाओ, सिक्योरिटी जो है वो बाहर कर देता है, इसको अंदर नहीं आना देना, ऐसी स्थिति है। नमस्कार, न्यूज़ क्लिप में आपको स्वागत है। मैं हूं मुकुंद और अभी हम मौजूद हैं सिविल लाइन विकास भवन के पास, जहां पर दिल्ली में जो कंस्ट्रक्शन वर्कर यूनियंस है वो भवन निर्माण जो वेलफेयर बोर्ड है उसके सामने धरना प्रदर्शन करने आए हैं। इनका आरोप है जो जिस तरह से बोर्ड के अंदर भ्रष्टाचार है और जो निर्माण मजदूरों के लिए जो अधिकार तय हैं, जो उनको फ़ायदे मिलने चाहिए बोर्ड मेंबर होने के नाते, वो नहीं मिल रहे हैं। और ख़ास तौर पर पंजीकरण की जो समस्या है, जो रिन्यूअल या नए कार्ड, पुराने कार्डों का नवीनीकरण और जो नए कार्ड रजिस्ट्रेशन होने हैं, उसमें लगातार भ्रष्टाचार का सवाल है और नहीं हो रहा है। और बड़ी संख्या में पिछले दिनों में जो पुराने कार्ड थे उनको रोका गया है, तो उनका नवीनीकरण पर रोक लगाई गई, इसके खिलाफ ये लोग प्रदर्शन करना है। इनसे हम बात करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं क्या दिक्कत है और उनकी क्या। एक सांकेतिक धरना हम लोग आज इसलिए आए हैं कि मेन जो चार पांच प्रमुख मांगे हैं उनको लेके आए हैं, जिसमें एक सबसे बड़ी प्रमुख मांग ये है कि जो दिल्ली भवन निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड है उसमें जो रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल का, तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, बहुत कठिन उसको बना दिया है। और अगर अप्लाई करते हैं तो उसके बाद उसमें बहुत सारी क्वारी ऑब्जेक्शन लगा के बहुत डिले करते हैं। लॉकडाउन के बाद जो है सो रिन्यूअल में बड़ी दिक्कतें आई, जल्दी हो नहीं रहा है, और अब जो है मांग रहा है पुराना रिकॉर्ड, जबकि पुराना जो हम लोगों का ऑनलाइन से पहले कॉपी वाला कार्ड था, ये कार्ड जमा ले लिया उन्होंने जब ऑनलाइन हुआ तो ऑफिस में जमा है बोर्ड में। अब ये हमारा रिकॉर्ड हमारे पास तो कुछ बचा नहीं, ये बोर्ड के पास जमा है, तो ये रिकॉर्ड उनके पास ही, और हम लोगों को कह रहे हैं कि पुराना कार्ड दिखाओ जब रिन्यूअल होगी, तो हम लोग क्या दिखाएंगे, अब हमारे पास कुछ बचा नहीं, तो इस वजह से हम लोगों का जो है सो रिन्यूअल नहीं हो रहा। लेबर ऑफिस में दिक्कत, जो नया पोर्टल आया है उस पोर्टल में ज़्यादा दिक्कतें आ रही है। उस पोर्टल में अभी लेटेस्ट में जो दिक्कत आ रही है कि एक नंबर पेज और छः नंबर पेज अपलोड करो बार बार, ये दिक्कत आ रही है। जबकि ई डिस्ट्रिक्ट पे जब पोर्टल था तो उस टाइम पे भी एक नंबर छः नंबर पेज अपलोड किया था, उसके बाद ये फिर से मांग रहे हैं। और हर वर्कर का डेफिशिएंसी लगा देते हैं, क्वायरी लगा देते हैं। मुझे लगता है कि ज़्यादातर भ्रष्टाचार ही फैला पड़ा है यहाँ पे, कि लोग पैसा दे के पास कराएंगे तो ही पास होता है, लेबर कार्ड नहीं तो पास ही नहीं हो रहा है। मेरा भी 2022 से ही रिन्यूअल नहीं हो रहा है, हम रिन्यूअल नहीं क्या हो रहा है। अब वहाँ लेबर कोर्ट जाते हैं, वहाँ से भी बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, बोलते हैं, तो वहाँ 2022-23 का दोनों का नहीं हुआ मेरा, जिसके वजह से हमें भी कोई सरकार से सहायता नहीं मिल रही है। पैसे बिना ये लोग काम ही नहीं कर रहे हैं। साइबर कैफे वालों का काम हो रहा है, वहाँ से ये लोग पैसा लेते हैं, डायरेक्ट ये लोग काम कर रहे हैं, वहाँ जा जा के स्टाफ चले जाते हैं, स्टाफ से लिंक हो रहे हैं इनके, जो साइबर कैफे वाले हैं वो लोग भी बहुत ज़्यादा पैसा लेके वर्कर्स का काम करा रहे हैं, पैसे के बिना काम ही नहीं हो रहा है। दूसरी मांग ये है कि जो मजदूरों ने अपने क्लेम अप्लाई किए हुए हैं, मैरिज का क्लेम है, पेंशन का क्लेम है, डेथ कंपनसेशन है, जो शादी का किया हुआ है, बीमारी का किया हुआ है, वो कई हजारों क्लेम जो है डिस्ट्रिक्ट में पड़े हुए हैं, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। क्लेम ये बताते हैं कि 30 दिन में क्लेम पास हो जाएगा, मगर वर्करों को दौड़ाते हैं और रीजन डाल देते हैं कि क्या बोलते हैं, आप कभी साइट पे नहीं मिलते हो, अवेलेबल नहीं होते हो, और क्लेम के लिए कम से कम दौड़ाते हो। जैसे मान लीजिए पेंसिल का है, कोई 60 ईयर पास कर गया है, 60 ईयर अगर प्लस हो गया है तो ये क्या करते हैं, क्लेम उनका 3000 रुपये कुछ बनता है, तो ये करते हैं कि उस क्लेम को उनको दौड़ाते हैं, बोलते हैं कभी ये लाओ कभी वो लाओ, तो कागज़ जो सही भी होता है उनका भी क्लेम ही नहीं दे पाते हैं, ना ही क्लेम पास हो रहे हैं। उस पर भी ये 15% 20% अंदर लेबर के जो अधिकारी के जो नीचे काम कर रहे हैं, जितना भी स्टाफ है, ये पैसा मांगते हैं। अभी बोर्ड ऑफिस तक जाने नहीं दिया, ये यहाँ पे रखा है, हमारा यहाँ पे कौन सुनने वाला है, किराया भाड़ा लगा गया है, दिहाड़ी तोड़ गया है, यहाँ सुनने वाला कौन है, हमारा कोई नहीं सुनने वाला है। ये जो जा रहा है बसें में और मोटरसाइकिल कार में, ये सुन रहा है कि यहाँ धरना रखा है, हमें आने का फ़ायदा क्या हुआ, उन तक तो आवाज़ गया ही नहीं हमारा।
तीसरी जो मेन मांग है, जो बहुत बड़ी मांग है, वो ये है कि दिल्ली में जो निर्माण मजदूर है, जो बोर्ड में रजिस्टर्ड है, उनके बच्चों को जो शैक्षिक सहायता मिलनी चाहिए, जो मिलती है वो पिछले 4 साल से बोर्ड नहीं दिया है, जबकि बोर्ड की तरफ से एजुकेशन डिपार्टमेंट को पैसा भी चला गया है। लिस्ट में पूरा नाम डाल दिया 2021 से और 2024 तक का हर वर्कर के बच्चों का, कि 12,000 किसी के आए हैं, किसी के 36,000, किसी के 1,00,000 दर्शा रहे हैं नाम के साथ, मगर वो पैसा वर्करों के बच्चों के अकाउंट में अभी तक नहीं आया। और 2020 से शो करवा रही है, गवर्नमेंट शो करवा रही है कि ये पैसा आया है, किसी के 1,00,000, किसी के 12,000, जैसे पहली क्लास से 8वीं क्लास तक 6,000 आता है, सर सबका शो करवा रहा है हर बच्चे को। देखिए, बच्चों को 6,000, 4,000, 2,000 ऐसे कुछ कर करके मिलता था, तो उससे बच्चों का ट्यूशन फीस वगैरह हो जाता था। अब मान लीजिए महीने में अगर 15 दिन काम हुआ तो 15 दिन घर में बैठे रह गए। सरकार कुछ नहीं कर रहे हमारे बच्चों के लिए। स्कूल में जाके आप देखिए कितनी परेशानी है, स्कूल में भी किसी बच्चे के 1 रुपये नहीं आते हैं। जो भी पहले आते थे वो तो बिल्कुल बंद कर रखे, एक स्कूल कोर्ट नाम के खोल रखे हमारे जे कॉलोनी में सरकार ने, कहते कि हम स्कूल में ये फैसिलिटी दे रहे, ये फैसिलिटी, आप जाओ साइंस तो दे दिए, साइंस के टीचर कितने आते हैं स्कूल में पढ़ाने बच्चे को। चौथी और पांचवी मांग ये है कि जो बोर्ड है ये सारा ठेकेदारी के स्टाफ पे है, जिनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो हमारी मांग है कि बोर्ड में परमानेंट स्टाफ अपॉइंट हो, जिसकी जवाबदेही हो, जिम्मेदारी हो। ना तो बोर्ड है, ना ही एक्सपर्ट कमेटी है, दिल्ली सरकार के लेबर मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया जो बोर्ड के चेयरमैन होते हैं। तो हम लोग तो ये भी मांग कर रहे हैं कि दिल्ली में पहले लेबर मिनिस्टर नियुक्त किया जाए और बोर्ड की कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से चलाया जाए और नया बोर्ड गठित किया जाए। ये छोटा आंदोलन इसलिए था कि हम एक ट्रेल दिखाने आए, आज हम बोर्ड सेक्रेटरी को दिखाने आए थे कि ट्रेलर है, अगर आपने आज हमारी बात मान ली हम आपको 15 दिन महीने का टाइम देंगे, तो ये 50 से 500 और 5,000 होने में टाइम नहीं लगेगा, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। ये आंधी है, ये जो उबला हुआ मजदूर है जिसको हमारे पास आता है पहले, इनके पास बाद में आता है, हम ही लेके मजदूरों को फिर आते हैं, उनको ठंडा करते हैं, कि आश्वासन देते हैं कि आपको मिलेगा और हम आपको हक अधिकार दिलाएंगे, एक मजदूर प्रतिनिधि होने के नाते, एक नेता होने के कारण। जैसा कि आपने बातचीत में सुना, मजदूर दिल्ली भर का निर्माण मजदूर परेशान है, सिर्फ सरकारी तंत्र के नाकामी की वजह से लगातार उसको परेशान किया जा रहा है, उसके रिन्यूअल करने में जो दिक्कतें आ रही हैं, ऐसे टेक्निकल प्रॉब्लम फंसाए जा रहे हैं जिससे इनको लगातार परेशानी का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी दिक्कत समस्या इनको ऑनलाइन प्रक्रिया के कारण, क्योंकि अधिकतर मजदूर जो हैं वो शिक्षित नहीं हो हैं और वे ऑनलाइन प्रक्रिया को नहीं समझ पाते, इसलिए इनको दूसरे पर निर्भर होना पड़ता है और ऑनलाइन प्रक्रिया में इतनी त्रुटियां हैं और लगातार उसकी जो गड़बड़ियां हैं उसके चलते इनका रिन्यूअल नहीं हो पा रहा, जिनसे इनको किसी भी तरह का लाभ से लगातार वंचित है। इन्हीं सारी मांगों को लेके एक प्रतिनिधि मंडल गया था, जो मिलकर आया है, जो डिप्टी सेक्रेटरी है बोर्ड के अंदर उनसे, और उनको अपना मांग पत्र सौंपा है, साथ में यूनियन लीडर ने एक चेतावनी भी दी है, अगर बोर्ड इन मजदूरों की मांगों पर उचित कार्रवाई जल्दी से नहीं करता है तो भविष्य में ये और बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है, और इससे बड़ा आंदोलन होगा और इसमें और कई दिनों का लंबा आंदोलन करने की बात भी कह रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही, देखते रहे न्यूज़ क्लिक, धन्यवाद।